नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर विद MKV में। दोस्तों मैं जा रहा हूँ हरिद्वार, इसके बाद हरिद्वार रेलवे स्टेशन जाने के लिए मेरे को पहुँचना होगा पुरानी दिल्ली नई रेलवे स्टेशन पर, और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए मैं आ पहुँचा हूँ अपने मेट्रो लाइन में, और मेट्रो द्वारा ही पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचूँगा और वहाँ तक का सफ़र अपना पूरा करूँगा। आप भी अगर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन मेट्रो द्वारा पहुंचना चाहते हैं तो किसी भी मेट्रो स्टेशन से आपको चांदनी चौक आना होगा, और वहां उसके सामने ही पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है जहां से आपको ट्रेन मिल जाएगी। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं चांदनी चौक के मेट्रो स्टेशन पर। इसके बाहर आपको इसी रास्ते पर सीधा सामने जा कर के मिलेगा ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां से भारत के सभी राज्यों में और शहरों में जाने के लिए आपको भारतीय रेल की सेवाएं मिल जाएंगी। तो मिलते हैं बाहर चल के। तो दोस्तों अब आप चांदनी चौक के मेट्रो स्टेशन से बाहर आ चुके हैं मेरे साथ में, और वो जो सामने आपको बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, येलो और वाइट कलर की लाइटें भी दिखाई दे रही हैं शेड के नीचे, वो है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। दोस्तों पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मैं आ चुका हूँ, अब जाकर मैं अपनी टिकट लूँगा, और टिकट लेने के बाद मैं जिस ट्रेन से मेरे को जाना है उस ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म हैगा उसके नंबर पर पहुँचूँगा। तो दोस्तों जो हमें ट्रेन पकड़नी है उसका नाम है मसूरी एक्सप्रेस, जो कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेगी और देहरादून तक जाएगी। उसका यहाँ से चलने का टाइम है 10:25 का, और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 13। 13 नंबर प्लेटफॉर्म से हमारे को ये ट्रेन मिलने वाली है। 13 नंबर ट्रेन पे मसूरी एक्सप्रेस को पकड़ने का कुछ ये हाल है, भीड़ देख लो कितनी है। भोले आ चुके हैं कांवड़ ले जाने के लिए, और ट्रेन का नंबर है 14041, और भाई हमारी ट्रेन ये आ चुकी है, और इस ट्रेन में बैठ के पहुंचेंगे सीधा हरिद्वार। आगे मौका मिला तो वीडियो ज़रूर बनाएंगे, नहीं तो फिर भीड़ में ऐसे ही बिना वीडियो के जाना पड़ेगा, और फिर हरिद्वार उतरने के बाद ही आपको आगे का वीडियो देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ आपसे एक जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि दिल्ली से अगर आप जनरल टिकट लेके बैठते हैं हरिद्वार जाने के लिए, तो आपका टिकट लगेगा मसूरी एक्सप्रेस में 105 रुपये का। ये ट्रेन सुबह 7 बजे तक हरिद्वार पहुँचाएगी। दोस्तों ये कुछ नज़ारा है हरिद्वार रेलवे स्टेशन का, हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पुल के ऊपर बाहर जाने का रास्ता हैगा, और सारे कांवड़िया ही कांवड़िया यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। फाइनली दोस्तों हरिद्वार रेलवे स्टेशन के भी बाहर आ गए हैं, और यहाँ कुछ भीड़ का इस तरह से नज़ारा है कि क्योंकि 4 जुलाई से
यहाँ पर कांवड़ियों की यात्रा शुरू होगी और उसी मद्देनज़र में यहाँ पर देखिए कितनी भारी भीड़ है। जो ट्रेन आई है उससे वहाँ पे पुल के नीचे भी सारे पैसेंजर्स बाहर आ रहे हैं और केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम जाने के लिए भी यहाँ पर भीड़ है। तो अब बाहर यहाँ से निकलने का हो गया है समय और यहाँ का वीडियो थोड़ा सा और बना के फिर उसको कर देंगे एंड और फिर उसके बाद हर की पीढ़ी पैड़ी पर आपको मिलते हैं। ये देखिए नज़ारा, बोले बाबा बम बम बोले के जयकारे बोल रहे हैं। Yeah.